हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की ठीक ठाक चल रही सरकार में अचानक से जो कुछ हुआ उसे लेकर राजनीतिक जानकार भी हैरान रह गए और आम वोटर भी जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला के सामने हमारे सहयोगी सुमित अवस्थी ने यह सवाल रखा कि आखिर हुआ क्या ऐसा क्या हुआ इतनी अच्छी चलती सरकार इतनी अच्छी चलती दोस्ती सब कुछ स्मूथ चल रहा था एक परिवार का हिस्सा आप लोग लगते थे अचानक एक दिन में सब खेल बिगड़ गया क्यों सुमित जी एन के अंदर कई दौर की चर्चाएं हुई और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सीट शेयरिंग के ऊपर जहां हमारी सहमति नहीं बनी वहीं भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि प्रदेश की सरकार को पूरी तौर पर चेंज किया जाए और हमने स्पष्ट इस चीज़ के अंदर कहा कि हम नई सरकार का फिर हिस्सा नहीं बनेंगे कि अगर एन के अंदर इस तरह की चर्चाएं और इस तरह की सीट शेयरिंग के ऊपर निर्णय टाइमली ना हो पाएगा तो फिर हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा प्रत्येक लोकसभा के लिए जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ी और अब भी हमने पिछले एक हफ्ते में दस की दस लोकसभा की सीटों पर सभी साथियों से मंथन भी किया है और अब नब्बे विधानसभाओं में होली से पहले हम जाकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और आगे की जो रणनीति है मजबूती से पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर निर्णय करेगा दो तीन बातें आपके जवाब से निकलती हैं दुष्यंत साहब मैं एक एक करके दो तीनों पे आता हूँ पहला तो यही बीजेपी जिसके पास दस की दस लोकसभा सीटें थी वो क्यों जेजेपी को एक भी सीट देगी आपको क्यों लगता था कि बीजेपी आपकी मांग के आगे झुक जाएगी देखिए जहां सीट शेयरिंग की बात थी सुमित जी वहां पर हमने बारी बारी ये विषय रखा था क्योंकि 2014 में मैं इसार से सांसद रहा हूं उससे पहले चौधरी अजय सिंह चौटाला जी विवानी लोकसभा से सांसद रहे हैं हमारा कैडर आज ये चाहता था कि उन दो लोकसभा सीटों को मजबूती से लड़ें और उस कैडर की सोच के अनुसार ही संगठन चलते हैं आज के दिन कोई सांसद बनता है कोई विधायक बनता है तो कैडर के मजबूती के साथ बनता है मगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अंत में ये निर्णय भी किया कि अगर एक भी सीट हम नहीं लेते तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बुढ़ापा पेंशन है उसको इक्यावन सौ कर दिए जाए और उसके उपरांत अगले दिन यही समाचार आता है कि पूरी गवर्नमेंट को ही बदला जा रहा है तो हमने ये कह दिया था हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे अगर हमारी इतनी महत्वपूर्ण मांग बुजुर्गों के सम्मान की पूरी नहीं होती तो फिर उस सरकार का हिस्सा रहने का औचित्य नहीं है